नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत के अपराध लाइव न्यूज चैनल। बढ़ते हैं सबकी खबर की ओर कोटा से। कोटा में जाट जर्नलिस्ट एसोसिएशन अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह होगा आयोजित। कोटा के असलम भूमि की खास रिपोर्ट। खबर विस्तार से। कोटा जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट कार्यकारिणी की बैठक चंबल रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी माह में होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन के लिए चर्चा की गई। आयोजन को लेकर विभिन्न तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सभी सदस्य के अलावा जार के प्रदेश अध्यक्ष वरी हरिबल्लभ मेघवाल, संरक्षक रिचपाल पारिक, जिलाध्यक्ष दिनेश गौतम मामाजी और कार्यक्रम के संयोजक अनिल तिवारी, सही संयोजक सत्यनारायण श्रीवास्तव, जिला महामंत्री पवन पारिक, कोषाध्यक्ष योगेश सोनी, प्रवक्ता संजय दत्ता सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही पिछले दिनों कोटा के एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट की जिला इकाई की बैठक में श्रीमान परीक्षा सदस्य एनयूजे जिले का ही अध्यक्ष श्री दिनेश गौतम साहब, कार्यक्रम संयोजक अनिल जी तिवारी दत्ता जी, पास में मामले पधारे सम्मान्य अख्तर खान जगेला साहब, मोनी जी, एकराजी पवन जी, राजेश जी सक्सेना, योगी सिंह साहब और सभी हमारी विद्वान साथी पत्रकारों का संगठन और भी हैं, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। कोई किस नाम से पत्रकार संगठन चलाता है, कोई किस नाम चलाता है, वो अपना अपना चलाए। हम हमारा काम करें। पूर्व में क्या रहा उसको भूलें। जार के नाम से यदि और भी संगठन चलता है, कोई इस बात का क्लेम करता है कि साहब मैं भी जार चलाऊँ, मैं भी जार चलाऊँ, तो कोटा में नहीं चलाना चला। वो अपनी कोई टीम बनाता है तो बने, लेकिन कोटा में जो पत्रकार संगठन के नाम से जार का संगठन है, वो ये वैलिड संगठन है जिस पर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। अब संगठन बनाना और बैनर बनाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपके बैनर की, आपके नाम की कहीं कोई पहुंच ही नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई उसकी कदर नहीं करता, तो मेरे हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उसकी वैल्यू कौन बनाएगा? जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। अब जो टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है वह तन मन धन से समर्पित होकर ये भाव रखे कि मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं इस बैनर को यदि कहीं दिखाऊंगा, इस आई कार्ड को कहीं दिखाऊंगा, तो वो आपको सैल्यूट मारेगा। ये मन में आपकी भावना नहीं है तो ऐसे संगठन बनाए कोई फायदा नहीं है।